गोरखपुर जिले में रविवार को 171 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग पुरुष और एक 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब गोरखपुर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 16,335 हो गई है। अब तक 265 कोरोना संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 14,181 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1,889 कोरोना संक्रमित मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जाँच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई। आपको बताते चले कि अगर शहर की बात करें तो 96 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में रविवार को सबसे 27 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 14, शाहपुर थाना क्षेत्र में 24, रामगढ़ताल में 4, कोतवाली में 7, गुलहरिया में 1, राजघाट में 16, चिलुआताल में 1, तिवारीपुर में 1 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 64 नए मरीज मिले हैं। इनमें बेलघाट में 2, पिपरौली में 4, चरगावा में 9, गगहा में 3, खोराबार में 10, कैंपियरगंज में 5, खजनी में 1, कौड़ीराम में 13, सहजनवा में 3, गोला में 1, उरवा में 1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 17 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।